ये कैसे होगा सर? मेघा जी अपना परिचय दीजिएगा। सर मेरा नाम मेघा साहू है, मैं धमतरी जिले से बिलोंग करती हूँ। मेरा ग्रेजुएशन साइंस कॉलेज रायपुर से हुआ है। सर मैंने पीजी छत्तीसगढ़ कॉलेज रायपुर से किया है। सर मैं उसके पश्चात 2020 बीएससी में कार्य उप निरीक्षक के पद पर चयनित हुई हूँ और वर्तमान में बिलासपुर जिले में मेरी पदस्थापना है। तो बिलासपुर में ही आप पोस्टेड हैं। मेघा इसका अर्थ क्या होता है? मेरा सर मेघा का अर्थ उनके तबादल होता है। इसके कुछ पर्यायवाची शब्द बता सकते हैं? सर वालिद, पयोद, जलद। नोहर का क्या मतलब होता है? सर नोहर का अर्थ दुर्लभ होता है। दुर्लभ जी। धमतरी जिला जो है इसके संबंध में आप बताइए, जिले में आपके जिले में पर्यटन की क्या क्या संभावना है? सर धमतरी जिला वाटर टूरिज्म के क्षेत्र में अग्रणी है। सर यहाँ पे गंगरेल बांध है, माडम सिली जलाशय है। सर गंगरेल बांध में मिनी गोवा के रूप में डेवलप किया गया है। इसके अतिरिक्त सर यहाँ पे माडम सिली डैम है, जो एशिया का पहला साइफन डैम है। सर रुद्री बांध है और इसके अतिरिक्त सर धार्मिक पर्यटन के क्षेत्र में अंगारमोती माता का मंदिर है, मिली माता मंदिर है। सर धमतरी जिले में सीता नदी अभ्यारण्य है। वन्य जीव एवं पर्यटन के क्षेत्र में सर महत्वपूर्ण जी। साइफन बांध क्या होता है? सर साइफन बांध सर उसका ये सिस्टम होता है कि उसमें जब पानी बढ़ता है तो वो ऑटोमेटिक एक लेवल से ऊपर जाने पर पानी का ऑटोमेटिक फ्लो होता है। सर उसमें गेट खोलने की जरूरत नहीं होती। गेट खोलने की हमको जरूरत नहीं होती जी। सर आपका विज्ञान और लोक प्रशासन मतलब आप रहा है स्नो का, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट में आपको लोक प्रशासन है ना जी। सर लोक प्रशासन में एक शब्द आता है प्रत्यायोजन जी। सर क्या अर्थ होता है? सर प्रत्यायोजन का अर्थ होता है जब हम अपने किसी अधिकारी के द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारी को सत्ता एवं प्राधिकार कुछ समय के लिए प्रत्यायोजन मतलब उन्हें दिया जाता है, उसे प्रत्यायोजन कहते हैं। हेनरी फेल का नाम सुना है आपने? जी सर। हेनरी फेल ने कुछ एक प्रयोग किया था, प्रयोग के बारे में बता सकते हैं? हेथ्रॉन प्रयोग का नाम सुना है आपने? जी सर। हाँ वो क्या होता है? सर इसको मुख्यतः मानवीय संबंध उपागम के संबंध में हॉर्थन प्रयोग किया गया, जिसमें एक अमेरिका के एक संस्थान में औद्योगिक संस्थान में देखा गया कि वहां के कर्मचारी किस प्रकार से उनका कार्य प्रभावित होता है। अगर उन्हें आर्थिक रूप से अधिक आर्थिक अभिप्रेरणा से वो प्रभावित होते हैं कि उनके कार्य के संबंध में हम कुछ सकारात्मक परिवर्तन करते हैं कार्य क्षेत्र में, तो उनमें किस प्रकार से परिवर्तन होता है ये देखा गया। सर ये एल्टन म्यू के द्वारा किया गया था और उन्होंने इसी अवधारणा के आधार पर मानव संबंध उपागम प्रस्तुत किया। क्यों किया गया था, आखिर इसका उद्देश्य क्या था? सर इसके पहले प्रशासन के क्षेत्र में यांत्रिक अवधारणा प्रचलित थी, जिसमें मनुष्य को आर्थिक मानव माना जाता था कि मानव को जितने अधिक हम आर्थिक रूप से उन्हें अभिप्रेरणा देंगे तो उनका कार्य प्रभावित होगा, उनके कार्य में सकारात्मक परिवर्तन आएगा। किंतु बाद के जो लोक प्रशासन के क्षेत्र में जैसे एल्टन म्यू का योगदान था, उन्होंने भेजा पाए तब वे देखे कि मानव केवल आर्थिक प्राणी नहीं है, उनके आर्थिक अभिप्रेरणा के अतिरिक्त उनमें कुछ कुछ ऐसे चीजें होती है जिसकी वजह से वो प्रभावित हो सकते हैं। तो निष्कर्ष क्या निकला फाइनली? सर निष्कर्ष ये रहा कि मानव संबंध भी महत्वपूर्ण होते हैं और इसलिए उन्होंने मानव संबंध उपागम दिया जी। आप अभी आबकारी विभाग में है, उप निरीक्षक में जी। सर ये डिस्टिल और अनडिस्टिल एल्कोहल क्या? सर डिस्टिल्ड अल्कोहल जो होता है वो जब जब अल्कोहल बनाने का प्रोसेस होता है तो जो अल्कोहल निर्मित होता है स्टार्टिंग में वो सर स्पिरिट के तौर पर रहता है, वो अनडिस्टिल्ड अल्कोहल है। लेकिन जब उन्हें डिस्टिलेशन की प्रक्रिया से गुजारा जाता है अलग अलग तापक्रम में, उसके पश्चात उसके आसवन के पश्चात जो डिस्टिलेशन के पश्चात जो अल्कोहल बनता है वो एक्स्ट्रा प्यूरिफाइड होता है। इसके कुछ उदाहरण बता सकते हैं? सर ENA डिस्टिलेशन क्या होता है?
सर डिस्टिलेशन ऐसे मुख्यतः साइंस में आसमन की प्रक्रिया कहा जाता है, जिसमें अगर कोई एल्कोहल हमें प्राप्त हुआ है तो हम विभिन्न चरणों में अलग अलग तापक्रम में उसे होकर गुजारते हैं, जिसके कारण वो प्यूरिफायर होके आसुत जल के रूप में उसे ग्रहण करते हैं आसुत फॉर्मेट में। जी आपका फिजिक्स भी आप रहा है सब्जेक्ट, तो न्यूक्लियर रिएक्टर में आप मुझको बताइए मंदक और अवशोषक ये क्या होता है और इसके एग्जांपल भी बताइए। सर न्यूक्लियर रिएक्टर में सर मैं जहां तक याद कर पा रही हूँ ग्रेफाइट का उपयोग मंदक के तौर पर किया जाता है सर, क्योंकि जब न्यूक्लियर रिएक्टर में नाभिकीय अपन विस्फोट की घटना करते हैं तो उसमें अधिक मात्रा में न्यूट्रॉन उत्पन्न होते हैं, तो न्यूट्रॉन को एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन जो होगी उससे श्रृंखला अभिक्रिया हो सकती है, तो एक्स्ट्रा न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करने के लिए हम और अभिक्रिया को थोड़ा मंद करने के लिए हम मंदक का प्रयोग करते हैं। पहले जो एल्कोहल का जो टेंडर हुआ करता था इसमें निजी लोग व्यापार करते थे, अब तो ये सरकारी हो गया है, तो अब पहले और अब में किस प्रकार का नियंत्रण रहा है विभाग का? सर पहले के सिस्टम में सर लाइस ठेका दिया जाता था, जब कलेक्टर साहब के महोदय के द्वारा अलग अलग लोगों को वे उनके समक्ष आवेदन करते थे उसके पश्चात उन्हें ठेका दिया जाता था और वो उस दुकान को चलाने के संबंध में और उस दुकान से जो राजस्व होता है उसके संबंध में उनकी पूरी जिम्मेदारी होती थी, वे उसमें इंडिविजुअल रूप से उन्हें स्वतंत्रता प्राप्त होती थी। लेकिन वर्तमान में जो सिस्टम है सर, गवर्नमेंट ने 2017 से जो आबकारी की पॉलिसी लागू की है उसके अंतर्गत दो कॉरपोरेशन बना दिए, CSMCL और CSBC। सर CSMCL के अंतर्गत जो भी आबकारी केंद्र या दुकान होते हैं उसमें जो हम सरकार आबकारी विभाग के जो अधिकारी हैं वो CSMCL के प्रभारी अधिकारी के तौर पर भी कार्य करते हैं, तो अगर दुकानें संचालित है वो CSMCL के थ्रू डिस्टिलरी से उनके पास माल जाता है, उसके पश्चात वो ऑनलाइन स्कैनिंग के माध्यम से सारी प्रक्रियाएं होती है और जितने भी वहां से सेलिंग होती है उसका पूरा राजस्व सरकारी खजाने में जमा होता है और सारी प्रक्रिया ऑनलाइन होती है, पूरी नियंत्रण के प्रक्रिया से होती है। तो अभी जो प्रक्रिया चल रही है उसमें गवर्नमेंट का ज्यादा नियंत्रण है। शराबबंदी के बारे में सुना होगा? जी सर। अगर शराबबंदी हो जाए तो आपके विभाग का क्या रोल है? सर मैं जहां तक ये मानती हूँ कि शराबबंदी अगर होता है तो भी हमारे विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी, क्योंकि शराबबंदी होने के पश्चात अगर दूसरे जगह में कच्चे नियंत्रण या अवैध शराब या फिर अदर स्टेट से जो भी तस्करी के मामले होंगे उनको नियंत्रण करना, उनकी अच्छे तरीके से कंट्रोल करके रिपोर्टिंग करना, ये सब हमारे विभाग का उत्तरदायित्व होगा सर। तो मेघा जी आपने अपने हॉबीज में लिखा है जसगीत गायन, जसगीत की कौन कौन सी विधाएं होती हैं, कितने प्रकार से जसगीत गायन किया जा सकता है? सर मुख्यतः छत्तीसगढ़ में तो जसगीत जमारा गीत के तौर पर प्रचलित है और देवी विसर्जन गीत भी इसके अंतर्गत शामिल है। कोई छत्तीसगढ़ के 5 प्रमुख जसगीत फेमस गायक जिन्होंने अपना नाम वर्चस्व किया है इस फील्ड में? सर दुकालू यादव जी हैं, दिलीप षडंगी हैं, अभी वर्तमान में कांति कार्तिक यादव भी हैं और सर अलका चंद्राकर हैं, कविता वासनिक जी हैं। आपको एक राइम्स गाना चाहेंगे जसगीत का यहाँ पर? जी सर बिल्कुल। सर मैं अलका चंद्राकर जी का गाना चाहूंगी। मैया ला नींद आवे वो भवर पलंग मा, मैया तो ला नींद आवे वो भवर पलंग मा, मैया तो ला नींद आवे वो बाह चले पावन पुरवैया देह जुड़ावे वो तो ला नींद आवे, मैया ला नींद आवे वो भवर पलंग मा, मैया तो ला नींद आवे वो भवर पलंग मा, मैया तो ला नींद आवे वो। अच्छा मेघा जी आप मुझे बताएं धमतरी जिले से आप बिलोंग करते हैं, प्रॉपर धमतरी सिटी में रहते हैं? जी सर। धमतरी सिटी में कहाँ पर? सर बठेना और न्यू कॉलोनी। जी तो जैसे आपने वहां पर देखा होगा कि धमतरी जो शहर है लाइक वहां से जो नेशनल हाईवे गुजरता है काफी ज्यादा कॉम्पैक्ट आपको नहीं लगता? अभी नया रोड उसको अगर हम छोड़ दें तो जो शहर के बीचों बीच गुजरता है आए दिन कुछ घटनाएं भी आपको ऐसे देखने को मिलती हैं। आप दूसरे डेवलप्ड नेशंस या दूसरे डेवलप्ड सिटीज या दूसरे डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट की अगर आप बातें करेंगे तो वहां पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा तो अच्छा है। इनफैक्ट आप कुरुद का एग्जाम्पल लीजिए जो कि आपके खुद आसपास के क्षेत्र में आता है। कुरुद में इतनी सुविधा
है और आपको देख के, मतलब अगर किसी अचानक किसी नए व्यक्ति को हम लेके आए और कहें कि देखिए ये धमतरी जिला मुख्यालय और ये कुरूद है, तो उनको लगेगा यार जिला मुख्यालय तो कुरूद लग रहा है, धमतरी नहीं, ऐसा क्यों, इतना भेदभाव क्यों? सर कहीं ना कहीं मैं इसे धमतरी का दुर्भाग्य मानती हूँ कि धमतरी में विकास उतने तरीके से नहीं हो पाया है। अभी भी वर्तमान में जैसा कि आपने कहा सर, सड़कें बहुत ही गड्ढे से भरे हुए हैं, तो सर इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का ही दोष रहा है, मैं जहां तक के मानती हूँ सर। इसे और सर इसमें राजनीतिक रूप से भी एक इसका एक राजनीतिक पक्ष भी रहा है, क्योंकि जैसा कि अजय चंद्राकर जी माननीय कलेक्टर पूर्व मंत्री जी थे, तो इस वजह से वहां पे विकास डेवलपमेंट ज्यादा हो पाया है सर एज कम्पेयर टू धमतरी। धमतरी में सर इस वजह से कहीं ना कहीं ये कारण है कि धमतरी का विकास अवरुद्ध होता है। लेकिन अगर आप देखेंगे कोंडागांव जैसे नया जिला बना, ऐसे बहुत सारे जिले नए बने, धमतरी तो काफी पहले बन चुके हैं, जब 16 हमारे जिले 16-18 जिले हुआ करते थे उस समय से जिला है। लेकिन कारण जैसे आपने खुद ठहराया कि गवर्नमेंट जो सरकार जिम्मेदार है, आप खुद सरकारी ऑफिसर हैं, है ना, आप सरकारी पद पर हैं, तो इस बात को तो जस्टिफाई नहीं हो रहा है कि सरकार जिम्मेदार है। क्या आपको नहीं लगता कि वहां के लोगों में अवेयरनेस कम है या उन लोग इस चीज को सरकार के समक्ष नहीं रख पाते? क्योंकि देखिए सीधा सीधा सरकार तो चुनी जाती है, जनता के द्वारा ही चुनी जाती है। आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं यहाँ पे लोगों में अवेयरनेस की कमी है या वहां के जो लोकल लोग हैं वो इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं? सर जहां तक कि मेरी जानकारी में है कि लोकल लोगों के द्वारा भी लगातार कोशिश किया जा रहा है, अपनी मांग रख रहे हैं, विधायक महोदय के द्वारा भी लगातार मांग किया जा रहा है धमतरी में जो भी डेवलप नहीं हुआ है उसके लिए लेकर सर। लेकिन कहीं ना कहीं इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये बात है, लेकिन अभी भी सर डेवलप नहीं हो पा रहा है। अच्छा मान लेते हैं आपने, जैसे कि आप इस आबकारी निरीक्षक पोस्ट पर हैं, आप मान लेते हैं कि आप डीसी का पोस्ट लेते हैं या कुछ ऐसा पोस्ट लेते हैं जिसमें आपकी पोस्टिंग धमतरी जिले में होती है और आपके नियंत्रण में कुछ चीजें हैं, पोस्ट कुछ भी हो लेकिन आपके नियंत्रण में कुछ चीजें हैं जिसके माध्यम से आप उस क्षेत्र का विकास कर पाते हैं, तो आप क्या करना चाहेंगे? सर मैं पूरी कोशिश करूंगी, अगर मेरे अंडर में ये आता है कि मैं सड़कों का सुधार कर सकूं, नेशनल हाईवे से रिलेटेड अगर ये मेरा अधिकार क्षेत्र में आता है, तो निश्चित तौर पर सर मैं पूरा प्रयास करूंगी कि धमतरी का डेवलप अच्छी तरीके से हो। इसका मतलब वहां पे जो ऑफिसर बैठे उन्होंने इसका क्या बोलते हैं उपयोग नहीं किया अपने पद का या यूं कहें अपनी शक्ति का? सर कहीं ना कहीं उनके भी उन्हें भी जो शक्ति मिली होती है वो कहीं ना कहीं सीमित होती है सर। तो आप बोल रहे हैं कि आपको अब जब पोस्ट में आएंगे तो आपको असीमित शक्ति मिल जाएगी ऐसा? सर अगर मुझे आपने कंडीशन दिया, आपको अगर संसाधन है, तो इस वजह से मैंने कहा कि अगर मुझे संसाधन मिलते हैं, मुझे ये अधिकार मिलता है करने का, मुझे पावर मिलता है, तो मैं करने का प्रयास करूंगी। आपने आईटी से भी अपने बायोडाटा में मेंशन किया है, सूचना प्रौद्योगिकी में। हमने अभी चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया, सक्सेसफुली लैंडिंग भी हुई, आईटी से कुछ इसका विशेष संबंध या फिर आईटी से कुछ इसका जुड़ाव, आप इस पर कुछ प्रकाश डालेंगे? सर चंद्रयान 3 मिशन जो है सर, अगर ये सक्सेसफुल होता है सर, इसके लैंडिंग से लेकर बहुत सारी चीजों में आईटी सेक्टर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है, क्योंकि आईटी से कनेक्ट होके ही हम किसी भी मिसाइल का प्रक्षेपण करते हैं, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका होती है। सिमुलेशन मेथड से जब हम लोग टेस्टिंग करते हैं तो भी उसमें आईटी का महत्वपूर्ण योगदान होता है सर। इसके अतिरिक्त अगर ये मिशन कामयाब होता है तो भी आईटी के सेक्टर्स में भी परिवर्तन देखने को मिलेंगे सर। आपने कहा मिसाइल, तो चंद्रयान 3 मिसाइल है या फिर उपग्रह है? उपग्रह है सर। आपने मिसाइल कहा लेकिन जी, तो आपने कहा कि चंद्रयान मिशन 3 सक्सेस होता है, मतलब अभी हुआ नहीं है, आपका ये मानना है? सर आगे जब इसमें शोध और नए नए शोध अनुसंधान होंगे तो हमको अलग अलग रिपोर्ट्स आएंगे, तो कहीं ना कहीं उनके रिपोर्ट्स से हम पृथ्वी में अलग अलग सेक्टर्स में डेवलप कर सकते हैं। अच्छा यह भी देखा गया है कि ये इसरो तो है हमारी, चलिए सार्वजनिक क्षेत्र की एक प्रमुख कंपनी, कुछ लाइक साउथ में विशेषकर चेन्नई में आपको देखने को मिलेगा अग्निकुल, कॉस्मोस और भी बहुत सारी कुछ कंपनियां धीरे धीरे अब आगे आ रही हैं, यानी स्पेस सेक्टर में भी अब निजी उद्योग जो है वो कहीं ना कहीं अपनी हिस्सेदारी दिखा रहे हैं। इसको किस प्रकार से आप देखते हैं, क्या इनका आना अच्छा है या ये घातक हो सकता है? सर निश्चित तौर पर अगर निजी सेक्टर्स भी आ रहे हैं तो ये तो हमारे लिए एक सकारात्मक आउटपुट है, और सर ये इनका आना मेरे ख्याल से सर घातक नहीं होगा, क्योंकि इनके में भी कुछ रेगुलेशंस होते हैं गवर्नमेंट के, और अंडर ये गवर्नमेंट के रेगुलेशन काम करते हैं, तो कहीं ना कहीं सर और उनको आगे आने का पूरा मौका दिया जाना चाहिए।
अच्छा, जैसे आपने कहा कि धमतरी जो क्षेत्र है पानी या नदियों के मामले में काफी समृद्ध है, अच्छा है, डैम वगैरह भी यहाँ पर बने हुए हैं, वर्षा की स्थिति किस प्रकार से यहाँ पर, बारिश की जो स्थिति है? सर, वर्षा की स्थिति सर धमतरी जिले की समृद्ध है, वर्षा लगभग 125 सेंटीमीटर लगभग धमतरी का है सर। जी सर, मुख्य रूप से यहाँ पर वर्षा के लिए किस प्रकार की भौगोलिक जिम्मेदार है? सर, जो छत्तीसगढ़ की मुख्यतः है दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा जो पवने आती है सर, वही जिम्मेदार है। कौन सी शाखा आती है? सर सॉरी सर, मैं रिमाइंड नहीं कर पाऊंगी, एक बार सर मैं। अब अभी आबकारी विभाग में पदस्थ हैं, ऐसी कौन सी नाखुशी है आबकारी विभाग में आपको जो डीसी बनना है? सर, नाखुशी की तो बात नहीं है सर, डिप्टी कलेक्टर बनना मैं इसलिए चाहती हूँ क्योंकि शुरू से यह मेरा सपना रहा है और कहीं ना कहीं इसमें वर्क का एक डाइवर्सिफिकेशन होता है, हमें अलग अलग क्षेत्रों में कार्य करने का मौका मिलता है सर। और नाखुशी की बात नहीं है सर क्योंकि मैंने सेकेंड प्रेफरेंस में जिला आबकारी अधिकारी ही डाला है। तो लोग आप खुश हैं अभी जिस पद पर हैं? जी सर, खुश हूँ, वही मैं सर और अच्छा करना चाहती हूँ। ठीक, लोक प्रशासन से आपने स्नातकोत्तर किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। क्या देखते हैं अभी, जैसे भारतीय संघीय व्यवस्था क्या कारगर है अभी, और अगर है तो क्या आपको लगता है कि राज्यों की जो लगातार मांग आती रहती है कि उनको और अधिकार चाहिए, क्या हमें उन्हें देने चाहिए? सर, मुझे लगता है कि वर्तमान जो व्यवस्था है वो कारगर है। कुछ क्षेत्रों में जैसे मांग उठते हैं तो सूची विभाजन किया गया है संविधान के द्वारा, तो निश्चित तौर पर यह सूची विभाजन राज्यों के लिए सर सेटिस्फेक्शन के लायक है क्योंकि अगर कुछ ऐसी स्थिति उठती है जिसमें वो मांग कर रहे हैं तो उस पर विचार किया जा सकता है, लेकिन संविधान के द्वारा प्रदत्त की गई शक्तियां सर महत्वपूर्ण है। आप तो एक राज्य में अधिकारी बन के जाएंगे तो राज्य के दृष्टिकोण से तो और अधिकार की मांग करनी चाहिए केंद्र से, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि नहीं, जो है जैसा है अभी जो चल रहा है वो तो ठीक है, मतलब राज्यों को ठीक अधिकार मिले और इसमें वृद्धि करने की आवश्यकता नहीं। सर, मुझे जहां तक ये लगता है कि सूची विभाजन जो है वो सेंट्रल मतलब हमारे जो राज्य का सिद्धांत है जहाँ हम संघात्मक भी हैं और हम यूनियन भी हैं सर, मतलब हम अर्ध संघी भांति भी व्यवहार करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपातकालीन परिस्थितियों के लिए और दूसरे देशों से जो संबंध है उनके तौर पर जो देखा जाए तो देश की एकता अखंडता के लिए जो भी हमें अधिकार मिले हैं वो उचित हैं और यूनियन का भी जो पावर है वो सर रहना चाहिए। आप सूची का नाम बार बार ले रहे हैं तो ये सबसे पहले ये जो तीन सूचियां हैं जहाँ पर शक्तियों का विभाजन किया गया, ये कौन से अधिनियम में सबसे पहले ये शुरू हुआ था? सर, अनुसूची 7 के अंतर्गत, वो तो संविधान में है आज, लेकिन हमने कहीं ना कहीं से तो लिया ही है, हमने कहां से लिया, ये सबसे पहली बार कौन सा ऐसा अधिनियम था? मैं आपको थोड़ी मदद कर देता हूँ, ब्रिटिशों के शासनकाल में एक अधिनियम आया था जिसमें सबसे पहली बार तीन सूचियां शक्तियों का विभाजन था, बता सकते हैं वो? सॉरी, कोई बात। मैं एक और चीज देख पा रहा हूँ कि आपने 10th में 95%, 12th में 92%, अचानक ही ग्रेजुएशन में फॉल होके 65 हो गया, वो सर क्या मेजर कारण रहा ऐसा? सर, क्योंकि सर मैं मेरा पढ़ाई का जो मैं घर में कर रही थी स्कूल टाइम में, तो कहीं ना कहीं थोड़ा माहौल चेंज हुआ सर, मैं हॉस्टल में रहने लगी और दूसरा मैं सर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में थोड़ा पार्टिसिपेट करने लगी, मैंने अपने हॉबीज को टाइम दिया सर, तो और सर थोड़ा माहौल चेंज होने की वजह से सर मेरा थोड़ा पढ़ाई चेंज हुआ। अपने हॉबी नहीं कहा आपने, कहा मैंने हॉबीज पर ध्यान दिया, तो निश्चित रूप से मैं मान के चलूं कि जसगीत गायन के अलावा भी कुछ और हॉबीज हैं? सर, जसगीत गायन मुख्य रूप से मैं करती हूं सर, और इसके अलावा सर मेरा सर कुछ रिटर्न भी, कुछ कविताएं लिखने संबंधित और सर मन संचालन संबंधी कार्य। ठीक है, मन संचालन तो खैर ऐसा कोई हॉबी हुआ नहीं, लेकिन कविता जो आप लिखते हैं, कोई कविता जो आपके द्वारा रचना की गई उसके बारे में बताएं। सर, मैं बताना चाहूंगी, आज से चल एक नई शुरुआत कर, भूल जा जमीन को फिर हवा से बात कर, खोल दे अपने पंखों की उड़ानों को, उठा कलम और फिर प्रचंड प्रहार कर।
जी सर, मैं मतलब थोड़ा बहुत कहीं से कुछ कुछ प्रचंड प्रहार जैसे शब्द मैंने थोड़ा कॉपी किया, बाकी मैंने खुद लिखा। ऐसे कौन सा अटेम्प्ट है वैसे ही आपका? सर ये मेरा तीसरा प्रयास है। इससे पहले दो बार, क्या आपको क्या लगता है कारण रहे होंगे असफलता के पीछे? सर प्रथम प्रयास में मुझे सफलता मिली थी, आबकारी निरीक्षक का पद मिला था सर, 100 रैंक आया। और सेकंड प्रयास में 2021 का भी जो मैंने मेंस दिया था उसमें सर मेरा 111 रैंक आया। उसमें सर मुझे उम्मीद थी लेकिन मुझे मेंस में कम मार्क्स मिले हैं, तो उसकी वजह से मेरा ओवरऑल रैंक कम। आपको जो पहला बार आप अटेंड दिया था, नंबर कितना आया था इंटरव्यू में? सर मुझे 107 नंबर मिला। 107 नंबर, व्याप्त नंबर थे, मतलब नंबर कम हो रहा है आपका सर मेंस में। तो इस बार का मेंस कैसा गया आपका? सर अच्छा गया। मेंस अच्छा गया ना, ठीक है, इंटरव्यू हो चुका है। देखिए आपका तो इंटरव्यू लेवल पे 107 नंबर जब पिछले बार मिला था तो सीधी सी बात है कि नंबर बहुत अच्छा मिला था। अब आपका इस बार मेंस अच्छा गया है, अगर आप ये इतना नंबर भी ले आते हैं ना तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि अगर मेंस भी सुधार हुआ है तो जहां तक मेरा ख्याल है व्यक्तिगत रूप से कि आप जो बोल रही है ना, जब प्रश्न हम लोग बोल रहे हैं उसके बाद आप ना बहुत जल्दी जल्दी आंसर दे रही है, पहला चीज कुछ ज्यादा फ्रिक्वेंट, और उसके चक्कर में आप कुछ ऐसे ऐसे वर्ड्स बोल दे रहे हैं जहां से क्वेश्चन एराइज हो जाएंगे। हम तो ट्रेस कर रहे थे कि कहां कहां आप क्या क्या बहुत जल्दी बोल रहे थे आप, तो हम ट्रेस कर रहे थे कि कौन कौन से एक्स्ट्रा वर्ड्स हैं। अगर चाहते तो अगर आपका जो बोल रहे थे ना उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, सर भी वहीं से बनाए जैसे मिसाइल आपने बोल दिया, ठीक है, संघात्मक एवं यूनियन में भी वहां पर आपने रिपीट कर दिया सेम चीज को, ठीक है, सूची का वर्ड आ गया, तो बहुत सारी चीजें वहां से खुल गई, ठीक है। तो एक चीज ये है कि थोड़ा सा अगर आपके नेचुरल में है स्लो बोलना तो थोड़ा सा आप आराम से बोल सकते हैं, आराम से बोलने के स्तर पे, ताकि सामने वाला जो सुन रहा है वो अच्छे तरीके से समझे। हमको एफर्ट लगाना पड़ रहा था, ध्यान देना पड़ रहा था आपकी बातों पे कि क्या क्या बोल रही हैं ऐसा करके, ठीक है। तो एक ये चीज हो गया इंटरव्यू में, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बाकी तो आपका सही लगा मुझको। और आप क्लू मत दीजिए, आप ज्यादा बोलने से क्या होता है, जैसे मैंने पर्यटन के बारे में बोला था तो आप पॉइंट वाइज भी बता सकते थे, ठीक है, आपने उसको क्या डिटेल भी करने लग गए थे आप, तो आप बता सकते थे कि धमतरी में आपका मांडम सिंह जलाशय है, ठीक, ये जलाशय है आपका, जिसको जिसे आपने गोवा कहते हैं वो सब वहां से वो खुद पूछते हैं, ठीक, मतलब आपने मेरा वहां से क्वेश्चन पूछने के लिए आपने मौका दिया, आपने पूरा बता दिया। अगर पूरा बता देंगे तो सामने वाला कहां से क्वेश्चन पूछेगा, तो क्वेश्चन वहीं से अराइज होना है, ठीक। तो आप अपने इंटरव्यू को मोल्ड करना है तो अपना जो जितना पूछा गया उतना ही बताइए, तो प्रमुख स्थलों के आपको नाम ले लेने चाहिए था, फिर उससे आपसे क्वेश्चन अराइज होता। आप ऐसे धमतरी के बारे में तय गंगरेल बांध में क्या, मतलब वहाँ क्या खास बात है, ठीक है, या सिहावा के बारे में हम पूछ सकते थे, आपने पूरा डिटेल ही बता दिया, ठीक है ना। तो ये फीडबैक है और कुछ नहीं है, ठीक है। आपको थोड़ा सा ऐसा करना है कि थोड़ा सा चूजी रहना है और चीजों को लिमिटेड डिलीवर करना है ताकि वहीं से क्वेश्चन हमको फिर से पूछे, ठीक है। तो मेरा तरफ से वो चीज है कि आप जो बोल रही हैं अगर आपके नेचुरल तरीके से उसको कंट्रोल कर सकती हैं तो फिर थोड़ा सा स्लो हो सकती है, थोड़ा सा स्लो बोलेंगे तो सामने वाला जो है अच्छे से उस चीजों को सुनेगा, और आप बोलते बोलते में जल्दी जल्दी बोलते में ऐसा कुछ वर्ड नहीं बोल पाएंगे, ठीक, क्योंकि अब एफर्ट लगेगा, आप जब बोलेंगे तो ऐसा वर्ड आपके मुंह से नहीं निकलने वाला है, ठीक, इस चीज को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सर। आई कांटेक्ट आपका वैसे सही रहता है, मुझे लगता है शायद, लेकिन आपको कोई कंफ्यूजन है कि जब हम कोई चीज बता रहे हैं, जैसे किसी ने क्वेश्चन पूछा, उसी व्यक्ति को देखना है कि आसपास और भी लोग है, ऐसा कंफ्यूजन आपको? हाँ सर, मतलब सभी कई बार रहता है कि सभी को थोड़ा वो करना है, मर्ज करना है, जिसने प्रश्न पूछा है, लेकिन बीच बीच में, मतलब इस प्रकार की बात करें कि 80-90% आपको उसी व्यक्ति को फोकस करना है और बीच बीच में आप बिल्कुल इधर उधर कर सकते हैं, है ना। तो ये कंफ्यूजन खत्म करना है, मुख्य रूप से वही व्यक्ति और बीच बीच में हल्का फुल्का सा आसपास। दूसरा, टंग मूवमेंट एक थोड़ी सी अजीब चीज है, लेकिन टंग मूवमेंट एक ऐसा अनकॉन्शियसली ऐसा होता है, जैसे आप कोई प्रश्न का जवाब जब दे देते हैं तो टंग मूवमेंट आपका होता है,
थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना है, थोड़ा सा वक्त लगेगा, मिरर में प्रैक्टिस करनी है आपको कि ना आंसर देने के उपरांत आप भी फील करेंगे कि टंग बाहर आती है, मूव करती है, तो वो रोकना है। ठीक, हैंड मूवमेंट ठीक है, कभी कभार आंसर देते वक्त आपका हैंड इस प्रकार से जाता है तो कहीं कहीं ठीक है, लेकिन हर बार होगा तो सही नहीं। तो अभी वो कंट्रोल्ड ही है, बस वो और बढ़ ना पाए उसको देखना है। इसके अलावा एक बात सर ने कह ही दी आपको कि जब कोई क्वेश्चन हमारे डोमेन में होता है, तो जब हमें मालूम है तो हमारी रेंज में क्वेश्चन है, तो वो एक एक्साइटमेंट में हम लोग बहुत ज्यादा भी बोलते हैं प्लस जल्दी बोलने लगते हैं। तो वो जो जल्दी बोलना, ऐसा लगता है कि जैसे धमतरी, निश्चित रूप से आपने इंटरव्यू भी दी है तो धमतरी के बारे में आपका वो स्ट्रांग जोन है, तो धमतरी में आपने बहुत रैपिड, ऐसा लगता है कोई रट्टा मार गया, नहीं, ठहराव के साथ धीरे धीरे काम रहकर उसका जवाब देना है जब हमारे डोमेन में कोई चीज है। बाकी वही जैसे हॉबीज की जहां पे बात आई, तो आपने बोला हॉबीज, तो अब आपको एक और चीज पता चल गई होगी कि हॉबीज अगर बोल रहे हैं तो एक से दो हॉबी और, जैसे कविता के लिए शायद आप तैयार नहीं थे, हाँ, तो लेकिन ये तैयार रहना है कि वहां पे ना एक दो हॉबी और रखें तैयार, कि उसने पूछा तो अगर आप मना नहीं करना चाहते, आप बोलना चाहते कि नहीं मेरी एक दो और हॉबी है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर उसको स्ट्रांग करके जाए, ऐसा नहीं कि हॉबी बोल दिया और फिर तैयार नहीं। और दूसरी बात, मन संचालन कोई हॉबी है भी नहीं, हॉबी मतलब ऐसा नहीं होता कि हमने क्या किया है, किसमें हमें अच्छा लगा, नहीं होता ना, फ्री टाइम में हम क्या कर पाए, तो मन संचालन फ्री टाइम में से नहीं किया जाता, तो उसको हॉबी से हटा दीजिए। तो एक आपका हो गया जो आपने बोला जसगीत गायन, दूसरा कविताएं, ठीक है। बाकी सब सर ये सैटिस्फेक्शन के लगता है कि नहीं ये वाला आंसर कविता में जो आपने बोला, मतलब 80% जो मेरा डाउन हुआ उसके बारे में जो मैं बोलूंगा, नहीं ठीक है, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में कई बार परसेंटेजेस डाउन हो जाते हैं, है ना, लेकिन उसको हमको उसी डायरेक्शन में कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में मैं ये की, तो मैंने वहां पर भी एक्सपोजर प्राप्त किया इसलिए ऐसा हो गया, ठीक है सर, कोई बुरा आंसर नहीं। अच्छा, उसको अपन बैलेंस भी कर सकते हैं, लाइक कि सर परसेंटेज जरूर डाउन हुआ लेकिन मेरे अंदर की जो व्यक्तित्व है उसमें कहीं ना कहीं मुझे फायदा हुआ, जो मुझे मेंस आंसर राइटिंग में काम आया, ऐसे आप उसको पॉजिटिव वे में दिखा सकते हो, मतलब ठीक है परसेंटेज वहां पर डाउन हुआ लेकिन मुझे काम आया। अब अगर फिर वहां पे क्रॉस आया कि कैसे करके, वरना सर कई बार कुछ क्वेश्चन थे जिनके आंसर्स को मैंने वहां पर रहते हुए उसको फील किया करके। लेकिन एक जो चीज था जिसको आपको थोड़ा सा ग्रूम करने की जो जरूरत है वो सिचुएशनल क्वेश्चन है, जैसे जब मैंने पूछा तो आपने सीधे सीधे एकदम आरोप लगा दिए, तो आप जो हैं आरोप से थोड़ा बचना है आपको, अगर आपको पता भी है कि ये हुआ है तो भी आरोप से बचना है। और दूसरा चीज, वो तो चलो खैर दूसरी बात थी, जब आपसे पूछा गया तब आप बोले कि हाँ ठीक है ऐसा करूंगी, फिर जब आपसे बोला गया कि आप अगर उस सिचुएशन पे होंगे तो मैं कर लूंगी, तो मैंने बोला कि क्या पहले के लोग नहीं कर रहे, तो आप वहां पे हड़बड़ा रहे थे, लाइक आप खुद कंफ्यूज रहे थे कि हाँ करूं ना करूं, क्या बोलूं ना बोलूं करके, तो उस टाइप के जो जवाब है ये आपसे अपेक्षित होंगी क्योंकि आप एक अधिकारी हैं, जनरली सभी स्टूडेंट से सभी कैंडिडेट से होता है, लेकिन जब आप उस स्तर पे हैं, आपने काम किया है, तो आपसे और बहुत ज्यादा अपेक्षाएं होती हैं कि आप ऐसे क्वेश्चन के आंसर जरूर दें, तो इसको आप एक बार प्रैक्टिस जरूर करेंगे। आपको उसके लिए आंसर कुछ इस प्रकार से देना होगा कि चूंकि धमतरी जो है इस नेशनल हाईवे के अंतर्गत आता है और यहाँ पर लगातार इतना लाइक गाड़ियों का आवाजाही और आवागमन रहता है कि इसको हम एक निश्चित समय के लिए बंद करने के लिए हमको एक प्रॉपर प्लानिंग चाहिए। दूसरा, उस रूट को हमको डाइवर्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, अनलाइक दुर्ग राजनांदगांव बाकी जो रूट होते हैं उसको कहीं ना कहीं किसी दूसरे तरीके से हम कर सकते हैं, लेकिन धमतरी के लिए वो समस्या थोड़ी सी विकट है। तो सबसे पहले मैंने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रोड वाली हमने बातें करी, उसके बाद बाकी चीजों पर आ सकते हो। सर जब रोड का विकास धीमी गति से होता है तो कहीं ना कहीं उसके कारण बाकी विकास जो है वो प्रभावित होते हैं, तो इसलिए सबसे पहले आवश्यकता है। अब आप ये बता सकते हो, देखो मैंने आपको हिंट भी दिया था कि वहां से नया जो हाईवे बना हुआ है आपको पता होगा उधर से जो गया है, तो आपको ये चीज को एज अ लाइक यूज करना था कि मैंने हिंट दिया था उसको कि अब जब चूंकि नया जो साइड में जब रास्ता बन गया, बहुत सारे जो बड़े वाहन हैं जो कि लगातार रोड जाम करते थे, अब समस्या दूर होगी और मैं उम्मीद करूंगी कि बहुत जल्द धमतरी जो है पुनः जो दूसरे जो नए जिले हैं नवोदय जिले उस प्रकार से विकास करेगा। ये चीज आप वहां पे आंसर करना। हाँ, कुरुद में देखो, कुरुद एक अंदर बसा हुआ क्षेत्र है ना, आप उसको देखेगा तो हाईवे तो चलो वो तो खैर अभी बना है, लेकिन अंदर बसावट जो हुई, अंदर जो हाईवे जो उसके बने, जो रास्ते बने वो तो अलग कहानी थी, वहां पर तो बड़ी गाड़ियां चल ही नहीं रही है। आप मेन देख रहे हो ना, मेन धमतरी सिटी से आपने शायद ही कभी देखा होगा कि वहां पे गाड़ी ना चल रही हो, पूरी 24 घंटे वहां पर गाड़ियां चलती हैं, तो अचानक रोकना, उनको रास्ते को डाइवर्ट करना थोड़ा सा प्रैक्टिकली संभव नहीं था जब तक के लिए उसके लिए कोई अल्टरनेट रूट ना बनाया जाए, और अल्टरनेट रूट था भी नहीं। अगर आपने देखा कि कोई ट्रक वाला जानबूझ के चला भी नहीं सकता था, उसी रूट से ही
होकर उनको जाना होता था। तो ये चीजें आप कह सकते हैं कि अब चूंकि रास्ता जो है बन चुका है और गाड़ियां आवागमन शुरू हो गई है, तो अब धमतरी नए विकास जरूर करेगा ऐसा। अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविष्य को साकार करना, तो जुड़िए कंपटीशन कम्युनिटी के साथ। आज ही हमारे वेबसाइट के कैरियर पेज पर विजिट करें अथवा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिए गए लिंक पर क्लिक करें। हमेशा आपके साथ टीम कोको।